Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for latest updates. आज मैं आप लोगों को जो वीडियो बना के बता रही हूँ वो दो बहुत अच्छे और अफोर्डेबल ब्लशॉन्स के ऊपर है, जो कि आपको बासानी मिल जाएंगे और जो कि बहुत अच्छे पिगमेंटेड भी हैं और इनके शेड्स भी बहुत अच्छे हैं. आप इनको नॉर्मल डेली यूज़ में, डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप किसी अच्छे ओकेजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. पहले जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं एसेंस का मैट टच ब्लश बता रही हूँ. ये बिल्कुल मैट है और इसका जो मेरे पास शेड है वो शेड 60 है, चेरी मी अप. और ये बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत सस्ता ये मिल जाता है. सस्ता तो मैं नहीं बोलूँगी, अफोर्डेबल है, क्योंकि ये सुपर सॉफ्ट ब्लश है फॉर फ्रेश लुक ऑल डे लॉन्ग. मैट कर देता है ये आपके फेस के ऊपर, बहुत अच्छी तरह से लग जाता है, बहुत नेचुरल लुक देता है. ये मैंने 480 रुपीस का लिया था. किसी भी बड़ी सुपरमार्केट और छोटी सुपरमार्केट में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा. इसकी पैकेजिंग छोटी है थोड़ी. हाँ, इसमें आपको साथ में ब्रश नहीं मिलेगा लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि एसेंस के कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं. और मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखाती हूँ. आप देखिए ये कितना नेचुरल लुक दे रहा है और कितना अच्छा मैट कलर है इसका. आप इसको जितना हल्का लगाएंगे उतना ये हल्का लगेगा, नेचुरल लगेगा, और जितना आप इसको ज़्यादा करते जाएंगे, इसमें ऐड अप करते जाएंगे, ये ऐड अप होता जाएगा, मगर ये आपकी चीक्स पे ग्लो नहीं लाएगा. जिसको ग्लो चाहिए वो उसको अलग से ऊपर से हाइलाइटर लगाना पड़ेगा. ये क्योंकि मैट ब्लश है तो इसमें ग्लो का ऑप्शन ही नहीं है, आपको शिमर नहीं आएगा आपके फेस पे. बहुत सारे लोग चाहते हैं, कहीं किसी बहुत छोटी सी गैदरिंग में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम बहुत नेचुरल मेकअप करके जाएँ, किसी को पता नहीं चले कि हमने ब्लश ऑन लगाया है या बहुत ऑड लग रहा होता है. तो उस पार्टीज़ के लिए, छोटे मोटे फंक्शंस के लिए, घर में आप किसी से मिलने जाते हैं, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है. मैं बहुत टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ और एसेंस की कॉस्मेटिक्स तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है. इसके इस एसेंस ब्रांड की और भी बहुत सारी कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं, हाई पिगमेंटेड हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. मैं और भी कॉस्मेटिक्स का आपको रिव्यू दूंगी, लेकिन आज का मेरा वीलॉग जो है वो बेसिकली वीडियो जो है वो रिलाई करती है ब्लशेस के ऊपर, तो मैं ब्लश को ही फोकस कर रही हूँ. ये वाला ब्लश तो हो गया. अब मैं आपको दूसरे ब्लश के बारे में बताऊंगी, जो कि है स्वीट फेस का. आप देखेंगे कि इसकी पैकेजिंग तो इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं. उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, उसमें आपको रेंज इन दोनों की सेम है. ये 480 का है, वो 450 का मैंने लिया था. लेकिन आपको मैं इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ. आपको पहले मैं बताऊँ कि मेरे पास इसका शेड नंबर 08 है. ये मफिन बेक्ड ब्लश है, वो नॉर्मल मैट ब्लश था, ये मफिन बेक्ड ब्लश है. बेक्ड ब्लश जो है वो उसका बेनिफिट ये होता है कि हम उसको एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके पिगमेंटेड ज़रा रफ़ होते हैं, तो वो आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर 4 या 5 शेड थे जब मैं लेने गई थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास एसेंस का नॉर्मल डेली यूज़ के लिए वो वाला कलर मौजूद था, तो मैंने इसके अंदर ज़रा ब्राइट कलर लिया, ताकि मैं इसको अपने फॉर्मल लुक्स के लिए यूज़ कर सकूं. आप इसकी पैकेजिंग देखें, 2 पोर्शंस में इसकी पैकेजिंग हुई हुई है. पहले इसकी ग्लास लिड आती है, जो मैंने अभी आपके सामने रिमूव करी. अब आप देखिए ये इसके कलर्स हैं. इसके अंदर पिंक कलर है जो कि हम अलोन यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद इसके अंदर वाइट कलर आ रहा है जो हम अलोन यूज़ कर सकते हैं, और पिंक के साथ मिक्स करके ब्लशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमको ग्लिटर इफ़ेक्ट आएगा. और इन सारों को मिला के भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो एक नया कलर बन जाएगा. गोल्डन भी इसमें थोड़ा सा मौजूद है, जो कि आप गोल्डन के साथ भी इसको मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं. और ये देखें, इसके नीचे इसका मिरर गिवन है, इसका ब्रश गिवन है. तो इसका ब्रश मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि बड़ा प्रिसाइज इसका ब्रश है. मैं आपको इसके ब्रश के बारे में भी बताती हूँ अभी थोड़ी देर बाद. आप इसको ऐसे बंद कर लें, यूज़ करें, कहीं भी जाके बड़े कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं. और मैं आपको इसके ब्रश से बताती हूँ कि आप कैसे इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली लेकर यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए, मैंने यहाँ से वाइट उठाया है सिर्फ, और उसको हल्का हल्का पिंक के साथ मर्ज के. अब ये देखें, ये आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं. इसमें कहीं पिंक बिल्कुल एंड में आ रहा है. अगर और थोड़ा प्रिसाइज लेंगे तो ये भी पिंक नहीं आएगा आपके ब्रश के ऊपर. और मैं बहुत अच्छे शौक के साथ इसको एज अ हाइलाइटर अंडर द ब्राउ बोन यूज़ करती हूँ. ब्राउज़ के अंदर, जो ब्राउ बोन के ऊपर हम यूज़ करते हैं, उसमें मैं इसे यूज़ करती हूँ.
और ये देखें, ये अगर आपको बिल्कुल हाइलाइटेड लुक चाहिए, आपको पिंकिश नहीं करने अपने चीक्स, वाइट एंड पिंक का मिक्स कॉम्बिनेशन करना है हाइलाइटर के साथ, बिल्कुल लाइट पिंक लुक देना है, तो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं इस शेड को इस ब्रश की मदद से। अब मैं आपको इसके स्वाचेस करके दिखाऊंगी अलग अलग 3-4 किस्म के, ताकि आपको पता लगे कि आप इस किट को कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मैं इसको पिंक को कैसे यूज़ करती हूँ। इसको ये देखें, मैंने पिंक लिया, खाली आपके सामने पिंक लिया है, इसका कलर कितना खूबसूरत है। और ये आप जितना लाइट लगाएंगे ऑब्वियसली उतना लाइट लगेगा, जितना इसको डार्क करते जाएंगे उतना ये डार्क होता जाएगा। अब मैं सेकेंड वन आपको बता रही हूँ विद वाइट हाइलाइटर। ये देखिए, सबसे खूबसूरत कलर जो इसका बनता है वो ये बनता है। इसको आप एज अ आई शेडो यूज़ करें, बहुत हसीन लगता है। एज अ हाइलाइटर यूज़ करें, बहुत हसीन लगता है। और ये थर्ड वन मैं आपको गोल्डन के साथ बता रही हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पीचिश गोल्डनिश लुक आया है इसका, और ये भी बहुत हसीन लग रहा है। और अब मैं आपको इन सबको मिला के एक स्वाच बना के दिखा रही हूँ, जो कि अमूमन फॉर्मल गैदरिंग्स के लुक में जाता है, जब पूरा फुल मेकअप करते हैं तो आपको बहुत पिंकिश, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और बहुत ज़्यादा चीक्स पे ग्लो चाहिए होता है, तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मुझे इसका ये पिंक शेड बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको सबसे कम से कम बिल्कुल हल्का सा लुक देने के लिए, नेचुरल इफ़ेक्ट के लिए कैसे यूज़ करेंगे। ये देखें इसका कितना नेचुरल इफ़ेक्ट आ रहा है, आपको वो 4 शेड्स और ये शेड बिल्कुल अलग लगेगा, बिल्कुल नेचुरल पिंक ग्लो है आपके फेस के ऊपर। अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा आपने मुँह पर कुछ लगाया हुआ है। ये मुझे 450 का मिला था। आप देखें 450 के अंदर मुझे कितनी अच्छी चीज़ मिल गई, जो इसको मैं कितने तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, कितनी तरह से हर दफ़ा अलग लगेगा ये, जैसे आपके लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करें। अब ये देखें, मैं आपको इसको थोड़ा डार्क करके दिखा रही हूँ, मैंने उस साइड ऑफ पाम के ऊपर हल्का बताया था, यहाँ मैं आपको दिखा, ये देखें यहाँ आपको समझ आ रहा है कि यहाँ मैंने हल्का किया है, ये नया शेड निकाला है, वो मेरे बैक साइड ऑफ पाम पर डिफरेंट शेड था। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितने ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास एक आई शेडो आई ब्लश ऑन की पूरी पैलेट मौजूद है, क्योंकि इसके इतनी सारी वेरिएशंस हम बना पा रहे हैं। यही एक अच्छे ब्लश ऑन की क्वालिटी होती है कि वो आप उसको बहुत ज़्यादा वेरिएबल तरीके से यूज़ कर सकें, और आप इसके पिगमेंटेशन चेक करें कि इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है, कि मैंने सिर्फ एक स्वाच किया है और वो इतना अच्छा ग्लो दे रहा है मेरे हाथ के ऊपर। तो ये ब्लश ऑन मुझे बहुत पसंद है, ये वाला एक तरह से ये सिंगल ब्लश ऑन है, लेकिन ये किट के तौर पर यूज़ हो सकता है। और मैं ज़्यादातर इस ब्लश ऑन को पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में, फॉर्मल वेयर के साथ उसको अप्लाई करती हूँ, जब मैं प्रॉपर मेकअप लुक देती हूँ। और इसके अंदर आपको बहुत सारे और शेड्स भी मिलेंगे, तो डू ट्राई इट। और ये आपको बड़े आराम से मार्केट में मिल जाएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलता आराम से, ये बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है, आप लोग बड़े आराम से इसको ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने ब्लश ऑन्स आपको बताए हैं ये आप लोगों ने अगर यूज़ किए हैं, आपका कोई पहले का एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और ज़रूर ट्राई करें इन चीज़ों को। और इसके अलावा मैं और बहुत सारे अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स के साथ अपनी वीडियोस बनाऊंगी। मेरा बेसिक पॉइंट यही होता है कोई भी वीडियो बनाने का, कि मेरी वीडियो से किसी ना किसी को हेल्प ज़रूर हो। और ऑब्वियसली आज की महंगाई के दौर में ज़ाहिर है इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मेरा फोकस यही होता है कि मैं ऐसी चीज़ों के साथ आऊँ जो आप लोगों को फ़ायदा दें, और जिसकी वजह से आप लोग कुछ गेन करें। आप लोग ये दोनों ब्लशेज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।